का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनर कैफे पर। जैसा कि आपको वीडियो री एग्ज़ाम 2023 के लिए ये आपकी तैयारी 45 प्लस की 50 नंबर की आपकी जो ये जीएस आती है ना, जीके जीएस, इसका आपको पार्ट कराया जा रहा था। देखिए इसी के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, थ्योरी क्लासेस भी आएंगी, ठीक है। तो पहले मॉक टेस्ट के थ्रू हम आपको रूबरू करा दें कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए देखते हैं हमारा जो अगला सेट है, इसमें से 35 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपके पीसीएस में भी आया था, लेकिन काफ़ी घुमा गया आया था वो डीप नॉलेज में। इसमें सीधा आपसे आर्टिकल पूछा है, किस आर्टिकल का यूज़ करके जो है राष्ट्रपति डायरेक्ट वो कर सकता है, अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो अनुच्छेद 111 पे ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 108 क्या है, ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट मीटिंग लोकसभा और राज्यसभा की जो होती है उसके लिए 108 आर्टिकल आपका है, ठीक है। चलिए 109 वहाँ पे जो आया था वो गलत था, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में दिया था, हिंदी में दिया नहीं था। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, तो किसकी रिपोर्ट पर आधारित था वो आपका था गोपाला स्वामी अयंगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, 1969 में, ऑप्शन नंबर बी। मास्टर एज आई सॉ हिम, मास्टर एज आई सॉ हिम पुस्तक के लेखक कौन हैं, पुस्तक के लेखक हैं आपकी सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन नंबर डी। अगला, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय को प्रायः आप क्या कहते हैं, देखिए ये आपके नीचे स्लैश में जाएगा, तो राष्ट्रीय आय को आपका बोलते हैं NNP और ये FC, ऐसे है, ऐसे नहीं होगा। अगला, काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो किस नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर सी कावेरी। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रोफेसर J.K. मेहता। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, कितनी कैलोरी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 0 कैलोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। भारत निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से पूछा गया है, तो किस भाग से है आपसे जो पूछा गया है, तो ये आपका भाग है ऑप्शन नंबर डी, भाग 15। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है नीलमणि फोंकन को, ऑप्शन नंबर ए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, तो ये आपका किया गया है 12 खिलाड़ियों को, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किसने प्रस्तुत किया था आपका, ये आपका प्रस्तुत किया था ऑप्शन नंबर इसमें सी दादा भाई नौरोजी ही देखिए होंगे, डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी, धन के निकासन का प्रतिपादन का सिद्धांत। भारत छोड़ो आंदोलन किस समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका बलिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी MPPCS का पेपर हुआ है, उसमें आपसे पूछा गया है कि अभी 21 तारीख को हुआ है कल ही, तो उसमें आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की डेट पूछी गई है, बताइए 9 अगस्त है, 6 अगस्त है, कौन सी अगस्त है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, देखिए मलेरिया जब भी होगा आपकी प्लीहा और तिल्ली पे असर डालेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, विंडोज की कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एंटर, या एंटर है, ठीक है, ये एंटर। किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है, तो किसने शुरू किया गया है, UP ने लगा दीजिएगा, महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले GS के सेक्शन में, GS की वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके 50 में कम से कम आपको यहाँ से 35 नंबर कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग आप 42 तक मान लीजिए कर लेंगे, हिंदी 40-42 तक कर लेंगे, 84 नंबर ये आपकी स्कोरिंग होगी, मान लीजिए 35 कर लिया तो सीधा आप 119 क्वेश्चन 238 नंबर कट ऑफ से आप हैं अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।